बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया स्टेट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सिलसिला शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड मोर देन 1000 MCQs का। आज उस सिलसिले में पार्ट 5 अपलोड करने की कोशिश करते हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोस्तों आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आज क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 को देखें। Why the document you created at home displays with a different font at school? बाज़ औक़ात ऐसा होते हैं, हमेशा नहीं होता, लेकिन जब आप घर पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं और उसी डॉक्यूमेंट्स को या वो तो ऑफिस लेके चले जाते हैं या स्कूल लेके चले जाते हैं USB में, तो वहाँ पर उसके फॉन्ट मुख्तलिफ नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी वजह यही हो सकती है कि आपके पास घर में कंप्यूटर पर जो फॉन्ट्स इंस्टॉल है वो ऑफिस या स्कूल के कंप्यूटर में नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी को देखिए। बिकॉज द फॉन्ट यू यूज्ड एट होम इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एट स्कूल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। 52 नंबर देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस बी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करता है बोर्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, अ मास्टर डॉक्यूमेंट, मास्टर डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में किसको कहते हैं? पावर पॉइंट में तो मास्टर डॉक्यूमेंट का सुना था, और एमएस वर्ड में आप मास्टर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट्स ऐसा, यानी आपने बहुत सारे तो नहीं, चंद फाइलें आपने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसको किसी एक फाइल में इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मास्टर डॉक्यूमेंट। तो जो वही फाइल तो मास्टर डॉक्यूमेंट कहलाता है, और उसमें जितने फाइल्स होंगे उसको सब डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। मास्टर डॉक्यूमेंट कॉन्टेन सब डॉक्यूमेंट्स ईच ऑफ विच कॉन्टेन अ पॉइंटर टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सिलेक्टेड 1 एंड द लाइन बिटवीन चेक बॉक्स इज मार्क्ड, वेयर इज द लाइन ड्रॉन? सपोज आप कॉलम्स में काम कर रहे हैं और कॉलम डायलॉग बॉक्स में एक चेक बॉक्स है जिसको कहते हैं लाइन बिटवीन चेक बॉक्स, वो उसको मार्क लगा हुआ है, तो लाइन कहाँ ड्रा होगी? वो लाइन जिस दो कॉलमों के दरमियान ड्रा होगी। यहाँ लिखा हुआ है इन द टॉप, इन द लेफ्ट मार्जिन, इन द राइट मार्जिन, बोथ द लेफ्ट एंड राइट, नो नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ अबाउ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल ऑन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसको आप ऑन करके उसको एक खास टाइम देते हैं तो कंप्यूटर आपके फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करता है, लेकिन ऐसा सेव नहीं करता कि आप जब मर्जी उसको, सपोज जरा गौर से देखें, आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपने अपने फाइल को सेव नहीं किया और आपने इस फैसिलिटी को ऑन किया, ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी आपको? आप वर्ड ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पर सेव में, सेव के बाद फिर ऑटो सेव का आएगा।
और उसको आप एक टाइम देते थे, एक मिनट देते, तो एक मिनट के बाद कंप्यूटर जितना डेटा टाइप कर रहे हो स्टोर करेगा। इस दौरान अगर बिजली चली गई या कंप्यूटर इत्तेफाकन बंद हो गया और आप कंप्यूटर को रीओपन करते हैं तो आपका फाइल मौजूद रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, सेव टैब ऑन ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाके सेव टैब पर ये फैसिलिटी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि After typing header text, how can you quickly enter footer text? Suppose आप header and footer enter कर रहे हैं और आपने header का text लिख लिया, अब jump करना चाहते हैं footer में, तो दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो ribbon पर लिखा होगा switch between header and footer, और या आप down arrow दबाओगे तो footer में आएगा। तो correct option option C है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, और टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पेज अप और पेज डाउन, ये तो दोनों इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन को देखें, यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय, दूसरे कॉलम को आप, ये ए और बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल यू टू पेस डेटा मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स क्लिपबोर्ड का नाम आपने सुना होगा। क्लिपबोर्ड क्या है? ये टेम्परेरी मेमोरी है। जब आप किसी टेक्स्ट को कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं तो ये क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं, वहां से आप जितनी मर्जी पेस्ट करें। तो विंडो में भी क्लिपबोर्ड है और ऑफिस में भी क्लिपबोर्ड है, दोनों से कर सकते हैं, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें, यू नीड टू जंप टू द नेक्स्ट कॉलम ब्रेकिंग करंट कॉलम राइट एट द कर्सर पोजिशन, हाउ कैन यू ब्रेक। अब कॉलम में कम कर रहे हैं, आप किसी एक जगह पर कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करोगे? तो वहां पर आप कॉलम ब्रेक कमांड इस्तेमाल करोगे। इसकी शॉर्टकट की भी है लेकिन यहां पर शॉर्टकट की नहीं लिखी। यहां पर ऑप्शन ए जो है ना, कंट्रोल एंटर, ये क्या करता है? ये पेज ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, पेज ब्रेक के लिए। और एक्सेल में किस लिए इस्तेमाल होता है? एक्सेल में आप फर्ज करिए 15-20 सेल सेलेक्ट कर ले और एक सेल में कुछ लिखे कंट्रोल एंटर दबाओगे तो तमाम सेल्स उसी लिखाई से फिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, इन्वॉल्व यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक को यहां लिखा कंट्रोल एंटर, अभी आपको बताया, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दोस्तों, हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, कंट्रोल और ये ब्रैकेट, और ऑप्शन बी जो है ना, इससे डिक्रीज होता है 1 पॉइंट। लेकिन अगर आप मल्टीपल पॉइंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। ये मल्टीपल पॉइंट्स यानी 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह इंक्रीज करेगा और इससे डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। एक टाइम फॉर्मेट पेंटर करता क्या है? इट कॉपीज द टेक्स्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट इट ऑन टू Another text. एक टेक्स्ट से ये कॉपी करता है, परमेट को कॉपी करता है, टेक्स्ट को नहीं, और दूसरे टेक्स्ट पर उसको पेस्ट करता है। अगर आपने सिंगल एक दफा करना है तो परमेट प्रिंटर को एक दफा दबाए, अगर मल्टीपल टाइम करना चाहता है तो डबल क्लिक करें उसको, ऑप्शन बी करें। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, क्वेश्चन नंबर 64,
क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए दोस्तों, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन एमएस वर्ल्ड 2007? 2007 से पहले जो थे वो उसका डिफॉल्ट जो था, ये बात याद रखने की है, टाइम न्यूज रोमन, लेकिन 2007 और इसके बाद कैलेबरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम ऑफिस को इंस्टॉल कर लेते हैं और इस एमएस वर्ड को खोलते हैं, जब तक आप इसको चेंज नहीं करते तो इसका फॉन्ट 2007 से पहले के जो ऑफिस थे वो टाइम न्यू रोमन रहेगा, और 2007 और इसके बाद के जो है वो कैलेबरी रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें दोस्तों, अ वर्ड इंक्लूड अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स कॉल्ड क्लिप आर्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कभी कभार मैं देखे अक्सर आता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है दोस्तों। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफ़ी है, 65 तक हो गए दोस्तों। आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे 1000 MCQs का। आप दोस्तों के पास भी कोई क्वेश्चंस है एमएस वर्ल्ड के मुतालिक तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी से उसको व्हाट्सएप कर दें, ताकि उसको भी मैं इंक्लूड कर लूँ अपनी सीरीज़ में। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई समझ गए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।